इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद जनपद के करोला इलाके के गली नंबर 1 में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर एक नाले के ऊपर अवैध अतिक्रमण कर रखा है लोगों के द्वारा। वहीं इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए मुरादाबाद में नगर निगम की टीम के द्वारा पहुंचकर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को भी अंजाम दिया जा रहा है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं नगर निगम की टीम और तमाम अधिकारी लोगों से जानकारी दे रहे हैं कि नाले के ऊपर जो अवैध अतिक्रमण करा गया है उसे यहाँ से हटाया जाए। नगर निगम की टीम के द्वारा लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। बात करें नगर निगम की टीम स्थानीय लोगों को लगातार समझाने का प्रयास कर रही है। नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है जिनके द्वारा लोगों को समझाने के काम को अंजाम दिया जा रहा है। जी जी मैम, क्या कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है? लगातार नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है जिसका कहना है कि आला अधिकारियों से बात की जाएगी और वो सब इसके बारे में जानकारी देंगे। इधर आगे रोड को कटी में किया हुआ है पुलिस ने और पीछे नाले के ऊपर नाले को पाट करके ऊपर बनाया हुआ है, जिससे नाले की सफाई करने में जो व्यवधान होता है सफाई नहीं हो पाती और इसकी वजह से पीछे बस्तियों में जलभराव हो जाता है। तो यही कार्रवाई है, इसमें आज इनको बताया गया था, कई दिन से चल रहा है चित्रांगी का कार्रवाई, इन लोगों को हटाने के लिए हिदायत दी गई है। अभी लोग हटा लो चाहे हमें का प्रशासन अपना काम करेगा, लोक निर्माण अपना काम करेगा। नहीं, ये लोग बराबर कह रहे हैं कि हमारे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट हैं, हमारे पास पॉलिसी की बातचीत हमें बगैर बताए काम कराया जा ऐसा है। इनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो उनके डॉक्यूमेंट भी देखे गए हैं, लेकिन जो सड़क की चौड़ाई है 20 मीटर सेंटर से 15 मीटर उस पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा निशान लगाया गया और पीछे आप देखेंगे पीछे जो नाला है उसके नाले के ऊपर पूरा बनाया हुआ है। तो ये पूरा निर्माण अगर ये लोग की बात करें तो पूरा निर्माण जो है अनोखा है। सर मुख्यमंत्री के भी आदेश हैं जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाए समय में कर, तो कितना टाइम दिया है आपके समय? अभी लोक निर्माण विभाग बताया जा रहा है तो इन्होंने क्या निर्णय लिया है, कितना टाइम दिया है लोक निर्माण विभाग इसको बताएगा इसमें क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो यह कब से कब तक चलेगा? अभी तो लगातार चल ही रहा है। नालों के ऊपर जहाँ भी अतिक्रमण है जो भी जलभराव नालों के अतिक्रमण की वजह से हो रहा है उसको लगाया जा रहा है। शहर में जहाँ जहाँ भी नालों के ऊपर अतिक्रमण इस तरीके से पाए जा रही है जिसकी वजह से जलभराव की स्थिति है वहाँ सब जगह है। सर आपका नाम? पद मैं आपस में रह सब बात करें अवैध अतिक्रमण की, तो अवैध अतिक्रमण को लेकर मुरादाबाद जनपद में अधिकारियों के द्वारा लोगों को जानकारी दी गई है। जी क्या नाम आपका भाई? जी मेरा नाम गौरव है। क्या समस्या है? ये समस्या है कि इसी नाले को लेकर बात हो रही है। ये हम साहब को यहाँ पे दिखाया गया था, सिर्फ और सिर्फ यही नाला पीछे का नाला दिखाया गया, जो मेन मुद्दे हमारे वो नहीं रखा गया। आगे आप लोग जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी पुलिया बनी हुई है और अच्छा 15 फीट का नाला है जो पूरा चौक है। तो ऐसा एक नाला नहीं, आपको इतने नाले दिखा सकते हैं जहाँ से पानी आगे बढ़ ही नहीं रहा। अगर उनकी सफाई हो जाए हर महीने में, हर 6 महीने में, 5 महीने में, तो क्या पानी रुकेगा वहां? कभी नहीं हो सकता। ये नाला 30 साल तो मुझे हो गए इस नाले को देखते हुए, दूसरी सेकंड जनरेशन हूं मैं। ये नाला तब से लेकर अब तक उतना ही है जितना था। बाकी हमारी अतिक्रमण जो है वो है कि भाई हमने आगे पेड़ी बना रखी है, हम उसे हटवा देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। नगर निगम की ओर से क्या कहा गया? नगर निगम की तरफ से कुछ नहीं कह रहे हो, तो पीडब्ल्यूडी वाले कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, उसमें नोटिस नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। हम तो जगह दिखाना चाह रहे हैं कि जहां से पहला चौक है वहां पे भी तो कार्रवाई की जाए, वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप डायरेक्ट यहाँ पे आके दिखा रहे हो, डीएम साहब को आप यहाँ आ रहे हो, जो भी कोई आ रहा है एसडीएम साहब आ रहे हैं यहाँ आ रहे हैं। अरे हमारे साथ चलिए, हम दिखाएंगे आपको मेन मुद्दा क्या है। जो नीचे के अधिकारी हैं गुरमा कर रहे हैं, इनको सिर्फ डायवर्ट कर रहे हैं, मेन मुद्दा यही दिखा रहे हैं, मेन मुद्दा ये नहीं है। अपनी कमियां छुपाने के लिए सरकार हमें हमारे ऊपर अगर डालना चाह रही है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा है कि अगर सरकार अपनी तरफ से कुछ करेगी तो देखिए हम यहाँ के बिजनेस में अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ करेंगे। अगर हमसे रोजी रोटी छीननी है तो ऐसे छीन लीजिए, मार दीजिए हमें, और क्या करना है, सबसे छीन लो। क्या समस्याएं हैं स्थानीय लोगों की? ये नाले की सबसे बड़ी, हमारे यहाँ कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, और डायरेक्ट आके हमारे ऊपर अन्याय कर रहे जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, और सब नाला पीछे तो बिल्कुल चौक पड़ा है, ऐसा है नाले पे तो गुजर के बच्चा भी आदमी भी चला जाएगा, इतना चौक है बहुत ज्यादा।
ये नाला बहुत पहले से बना हुआ है और कभी कभी परेशानी हुई है। जब लोगों ने गड्ढे में मकान बना रखा था पानी तो आएगा ही, नाला बनने के बाद में भी पानी लोग वहीं पे रहेंगे, पानी नहीं निकल सकता। जब गड्ढे मकान बना तो कैसे पानी निकल जाएगा। हम चाहेंगे हाँ। तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमसे बात कर ली हाँ। और यहाँ पे जो है इन्होंने पहले दो दिन में ये निशान लगाए, रास तोड़ने वाले, इनकी कौन सा कानून है ये? कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे दिल पर जश्री मार रहे हैं, बिल्कुल जान से ही मार दे हमें, नोटिस छीन रहा है हमारी, ये क्या करा जाएगा ये? पहले आप परिवार को मार दिए ना, इसके बाद परिवार पहले खत्म हो जाएगा। प्रशासन यही चाहता ना तो पहले परिवार को मारा जाए, उसके बाद उसका कारोबार तोड़ दिया जाए, बिजनेस तोड़ दिया जाए। गरीब आदमी की तोड़े जा रहे हैं ना, तो पहले आप उसके परिवार को मार दिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा परिवार, ऑटोमेटिक कारोबार हटा सकते हैं आप, और क्या काम है ये? प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची है जहां पर स्थानीय लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।